मुक्त हो जाएंगे बाबा बर्फानी। अमरनाथ धाम से मिले अंत के संकेत। क्या कलयुग का अंत निकट है? क्या सच होगी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां? भविष्य मालिका में लिखी बातें क्या होंगी सच? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बाबा बर्फानी के धाम अमरनाथ धाम में कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया है कि पलक झपकते ही 16 से भी ज्यादा भक्तों की मौत हो गई। और बीते शुक्रवार को बादल फटने से अमरनाथ गुफा के पास ऐसी तबाही मची कि 45 लोग लापता हो गए। टेंट के टेंट सैलाब में बह गए, लंगर बह गए। मूसलाधार बारिश के बीच अचानक बादल फटने से ऐसा सैलाब आया जिसमें बाबा के भक्त ही जलमग्न हो गए। तबाही की इन तस्वीरों को जब पूरी दुनिया ने देखा, बाबा बर्फानी के धाम से ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें जब दुनिया ने देखी, लोगों के जहन में 16वीं शताब्दी के एक ऐसे संत की बातें आने लगी जिनके द्वारा लिखी भविष्य मालिका को आज भी पढ़ा जाता है। जब भी देखिए देश दुनिया में कोई प्राकृतिक तबाही आती है या फिर देखिए कोई अप्रिय घटना घटती है तो भविष्य माला की भविष्यवाणियों को खंगाला जाता है। अमरनाथ धाम में आई इस तबाही के पीछे संत अच्युतानंद दास की एक ऐसी भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है जिसमें तीर्थ स्थलों के लुप्त होने की बात कही गई है। दरअसल ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि कलयुग में अंत में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे, कुदरत के कहर के आगे देवस्थान तक जाने वाले रास्ते भी लुप्त हो जाएंगे और जिसके पीछे की वजह धरती का बढ़ता तापमान और इंसान के स्वार्थी कर्म होंगे। अमरनाथ धाम में मची इस तबाही के बाद देखिए लोगों का ये भी कहना है कि बाबा केदार के बाद अब बाबा बर्फानी भी रूठ गए। वैसे पहली बार नहीं है जब अमरनाथ धाम में इंसानों पर कुदरत की मार पड़ी हो। हर साल औसतन देखिए करीब 100 से ज़्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक हादसों में इनकी मौत होती है। अमरनाथ यात्रा पर प्रकृति की मार और दर्दनाक हादसे। सबसे पहला बड़ा हादसा साल 1969 में हुआ था। जुलाई महीने में ही बादल फटने से करीब 100 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये घटना अमरनाथ यात्रा के इतिहास की पहली बड़ी घटना भी मानी जाती है। 16 जुलाई 2017 में श्रद्धालुओं से भरी एक बस जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर रामबन जिले के पास एक गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 जुलाई 2018 में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से जा टकराया। इस दौरान 13 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 26 जुलाई 2019 को अमरनाथ यात्रा के दौरान 1 से 26 जुलाई के बीच 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इन मौतों की वजह श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा करने से 2 महीने पहले तक श्रद्धालुओं को इस कठिन यात्रा के बारे में जागरूक न करना बताया गया। फिर से बादल फटने से ही जो तबाही इस बार अमरनाथ धाम में देखी गई है उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या पता कलयुग का अंत अब निकट है। तो वैसे कलयुग के अंत से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां भी ये कहती हैं, कलयुग के अंतिम चरण में लोगों के मन से धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जो धार्मिक और भक्त होंगे उनका मजाक उड़ाया जाएगा। चक्रवात और बाढ़ से लोग तंग हो जाएंगे। विचित्र महामारी से जनता परेशान रहने लगेगी जिसका कोई उपचार नहीं होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा जो वर्तमान में भी गिर चुका है। वैसे कुछ दिनों पहले देखे त्र्यंबकेश्वर धाम से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। हमने भी वो आपको वीडियो दिखाया था जिसको लेकर बाबा बर्फानी के फिर से प्रकट होने का दावा किया जा रहा था। असल में देखे सालों बाद फिर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पिंड पर बर्फ जमी थी। अंजू मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने स्वयंभू शिवलिंग पर जमी इस बर्फ का ये वीडियो शेयर किया था और बाकायदा ट्वीट कर ये भी कहा था, त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग में आज बर्फ जम गई है। ये एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई है। लोगों का मानना है कि प्रभु ने स्वयं श्री त्र्यंबकेश्वर राज में भक्तों को दर्शन दिए हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक।
तो भगवान शिव के पिंड पर जमी इस बर्फ को लोग काफी सकारात्मक बता रहे थे। लोगों का कहना था कि देखिए इस तरह बर्फ का जमना कुदरत का करिश्मा तो है ही, साथ ही एक चमत्कार भी है। लेकिन चमत्कार तो कहीं नहीं दिखा फिलहाल, उल्टा तबाही का मंजर जरूर देखने को मिल गया है। तो देखिए ना, विश्व नेताओं की जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, तीर्थ स्थलियों पर जो तबाही मच रही है और कुदरत का बढ़ता कहर, क्या सच में ये कलयुग के अंत का संकेत है? इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चुपको चुपको, एक एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। हम अपनी आर्मी को सत्सत दमन, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। आप सबको बताया कि हम अमरनाथ जी दर्शन करने आए हैं और कल रात को ऊपर त्रासदी हो गई थी, बादल फटा है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी, तो उन सबके लिए इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। ए टू जेड कम्बल से लेकर रात को लोग यात्री फंस गए थे, रात भर रेस्क्यू चलाया, संगम टाउन में पंचचंडी तक लोगों को पहुंचाया है इंडियन आर्मी ने। पूरी रात इंडियन आर्मी हमारे साथ खड़ी रही थी, लोगों को कंबल दिए, जो लोग फंसे तो डेड बॉडीज जो फंसी हुई है डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। बिल्कुल इंडियन आर्मी है तो हम हैं, तो सर हम लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम अपने भारत भारत माता की जय, भारत की जय, इंडियन आर्मी जय। निकट से आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि इंडियन आर्मी ने देखा ना, इंडियन आर्मी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, आने जाने में हर जगह इंडियन आर्मी ने हमें बहुत योगदान दिया है। कभी हमें रास्ते में कोई दुविधा नहीं आने दी और हमें पूरी तरह उन्होंने सपोर्ट किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। Thank you.